मुंडापांडी थाना क्षेत्र के दलपतपुर आंगनबाड़ी केंद्र को चोरों ने अपना निशाना बनाते हुए आंगनबाड़ी केंद्र में रखे गर्भवती महिलाओं एवं बच्चों के पुस्तहार और बच्चों के खिलौने जरूरी कागजात चुरा ले गए। आंगनबाड़ी केंद्र पर कार्यरत कमलेश शर्मा ने बताया कि जब हम रोज की तरह आंगनबाड़ी केंद्र पर पहुंचे तो मैंने मेन गेट और अंदर कमरों के ताले टूटे पड़े देखे थे। जब अंदर जाकर देखा तो बच्चों के खिलौने पुस्तहार जरूरी कागजात अज्ञात चोर चोरी कर ले गए, जिसकी सूचना कमलेश शर्मा ने दलपतपुर चौकी को दी। तो वहीं दूसरी ओर दलपतपुर में काशीपुर मार्ग पर बने सर्विस स्टेशन की दीवार में चोरों ने कूमल लगाकर उसमें रखे हजारों रुपए के सामान को भी चोर चुरा ले गए। सर्विस स्टेशन स्वामी नदीम अहमद ने बताया कि शाम के समय सर्विस स्टेशन को बंद करके मैं घर चला गया था। जब सुबह के समय मैंने शटर खोलकर देखा तो बड़ा सा कूमल लगा हुआ था। जो इंजन था चोर उसके सारे पार्ट खोलकर ले गए और जो सामान रखा था उसको भी चोर चुरा ले गए, जिसकी सूचना मैंने दलपतपुर चौकी को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने मौका मुआयना कर चोरी के शिकार हुए आंगनबाड़ी केंद्र और सर्विस स्टेशन से चोरी की तहरीर ले ली है और चोरों की तलाश में जुट गई है। एक दिन पहले ही चोरों ने स्कूल और इंजन मिस्त्री की दुकान को अपना निशाना बनाया था। अभी इन दोनों चोरियों को 24 घंटे भी नहीं बीते थे। चोरों ने फिर सोमवार की रात को पुलिस को चुनौती देते हुए आंगनबाड़ी केंद्र और सर्विस स्टेशन को अपना निशाना बना डाला और हजारों रुपए के माल पर हाथ साफ कर दिया। इन चार जगह हुई चोरियों से दलपतपुर क्षेत्र में दहशत का माहौल बना हुआ है। कमलेश शर्मा है, आंगनबाड़ी केंद्र दलपतपुर पंचायत घर में रहेंगे। आज हम सुबह आए यहाँ पर तो यहाँ पर जो है ताले टूटे हुए मिले। मेन गेट का ताला टूटा हुआ था, सेंटर का ताला टूटा हुआ था और उसमें फिर म्यूजिक सिस्टम जो सीएल गुप्ता वाले देके गए थे वो भी गायब है और किताबें हैं, बक्से के ताले टूटे हुए हैं, एक रबड़ की मैट ये भी नहीं है यहाँ पर और छोटी मोटी चीज़ें हैं, बच्चों को खिलौने किताबें ये सब गायब हैं। अच्छा, पुलिस को सूचना करी आपने? हाँ जी, मैंने जो इन चार सर को जो है ये दे दिया है कि लेटर बना के कि ये चीज़ें हमारे यहाँ से गायब। अच्छा, इससे पहले भी चोरी हुई है क्या यहाँ पर? यहाँ पर पहले भी हो चुकी है, 3-4 साल पहले भी। उसमें पुलिस ने कोई कार्रवाई की? नहीं, पिछली बार कोई कार्रवाई नहीं की। आप क्या चाहते हो? आप हम ये चाहते हैं कि इसमें जो है जो चोरी करिए जिसने वो पकड़ा जाए और ये जो है बच्चे की चीज़ें थी, खिलौने थे, ये सब जो है बच्चों के लिए आए हुए थे, ये बच्चे इसका फ़ायदा नहीं उठा पाए। आंगनबाड़ी केंद्र बंद थे, शनिवार में भी हम लोग यहाँ पर आए हैं और ये मंडे में भी हम यहाँ पर आए हैं, तो जो है शनिवार में सब सामान था यहाँ पर, लेकिन अब जब सुबह हम आए हैं सोमवार में तो ये सब चीज़ें जो है गायब हैं, ताले टूटे हुए हैं। ठीक है, मोहम्मद नदीम। किस चीज़ की दुकान है यहाँ पर, किस जगह पर दुकान? ये है परेशर था, ये अंजन के वो ले गए थे गिलास जो होते हैं पीतल के, और बाकी सामान ये सब ऐसे ही रखा है। ये गाटर वाटर गाड़ियाँ भी खड़ी हैं, ये कढ़ाइयाँ भी हैं। और अच्छा, किस तरह से ले गए? ताले तोड़ के ले गए कैसे? नहीं नहीं, पीछे से कोमल करके। कोमल करके जी। कितने का नुकसान लगभग? नुकसान तो ऐसे ही 4,500 के करीब, 5,000 का। अच्छा, पुलिस को सूचना दी इसकी? पुलिस की सूचना दी। क्या आश्वासन दिया पुलिस ने? वो ये कह रहे हैं कार्रवाई करेंगे। कार्रवाई करेंगे। पुलिस चौकी से कितनी दूर है ये? ये ऐसे ही होगा 500 मीटर दूर। 500 मीटर दूर जी। रामपुर हाईवे पे है जी? रामपुर हाईवे पे मुरादाबाद। इससे पहले भी घटना हुई है यहाँ पर चोरी की? यहाँ पर नहीं हुई है, पीछे हुई है। पीछे हुई थी जी। आप क्या चाहते हो? आप हम यही चाहते हैं ना, मुजरिमों को पकड़ा जाए।